सर नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो सर पहले आपका परिचय और यहाँ का एड्रेस हमारे पशुपालन भाई को बताएं। मेरा नाम नसीब है, हीरा भाई, गांव रांटीला जी, तहसील दियोदर, जिला बनासकांठा। तो सर हमें आप ये बताएं कि ये पशुपालन का बिजनेस आप कितने साल से करते हैं? 10-12 साल से करता हूँ। 10-12 साल पहले आपने ये पशुपालन की शुरुआत की? पशुपालन की शुरुआत। तो आपके शुरुआत में आपके पास कम पशु हो गए? 3 गाय थी। अच्छा एचएप। अच्छा यानी कि 3 पैसों थी। अच्छा यानी कि शुरुआत में आपके पास 6 पैसे थी। और यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास पैसे भी है और यहाँ पर गाय भी है। गाय भी। तो आपने ये सारी जो पशु है वो आपने घर पर तैयार किए या कहीं परचेज करके लाए? नहीं, घर पर तैयार किए अने बेचाते लाई। कुछ आपने बाहर से भी लाई है? बाहर से लाई। तो सर फिलहाल आपके पास छोटे बड़े मिलाकर टोटल कितने पशु है? 45 पशु है। छोटे बड़े मिलाकर टोटल 45। 45। और ये बड़े जो गाय है आपके पास, जो एचएफ गाय है, वो दूध देने वाली गाय कितनी है? 11 है। टोटल 11 गाय फिलहाल दूध दे रही है? हाँ, दूध दे रही है। और पैसों में? पैसों में 4 है। 4 पैसे दूध दे रही है? दूध दे रही। और यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ये सारी जो पैसे है कौन कौन सी नस्ल है? राजस्थान की है, नीड की नस्ल। और है मेहसाणी भैंस है। अच्छा। और बनी है जी। और सर तो जैसे कि सर आप राजस्थान के नीड भी रखते हैं और बनी भी रखते हैं और यहाँ की मेहसाणी भी रखते हैं, तो आपको सबसे अच्छी कौन सी नस्ल लगती है? अच्छी नस्ल तो बनी वाली अच्छी है। अच्छा। और राजस्थान की नीड की कहीं वो भी अच्छी है। तो जो अपन बनी बोलते हैं और नैयड़ बोलते हैं और मेसणे बोलते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती होगी। हाँ। कोई भी नस्ल में। हाँ। तो क्या क्या बनी में क्या बातें ऐसी है और अन्य जो नस्ल है क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, क्या विशेष है थोड़ा बताएं, क्या क्या आपको तकलीफें क्या क्या होती है? तकलीफ तो कोई नहीं, पर बनी में दूध सारे देती है लंबे टाइम तक। अच्छा। नैयड़ की वैसे दूध देती है पर देखाव में थोड़ी दिखने में थोड़ी कम दिखती है। अच्छा। मेहसणी भैंस तो और दिखती है, दूध में दूध अच्छा है, दूध बढ़िया है। तो सर लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी यानी कि जब अपन ये कोई भी ये भैंस है बियाती है और बियाने के बाद जब अपन छोड़ना चाहते हैं तभी दूध बंद करती है, ऐसी आपके पास कौन सी ऐसी नस्ल बनी वाली भैंस है? जी दूसरी बार बियाने के अभी 1 महीने बाद छोड़नी पड़ती है। अच्छा यानी कि वो खुद दूध बंद करती है? आप ना, हम बंद करते हैं। अच्छा। तो सर आपके पास फार्म भी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप हमें बताएं जैसे कि हमारी जो बनास डेयरी है उसमें पिछले साल का हिसाब हो गया, ठीक है, और ये प्रॉपर दियोदर में आता है? हाँ, दियोदर। तो दियोदर में आपका स्पेशल दियोदर कौन सा नंबर है दियोदर में? दियोदर में मेरा तीसरा नंबर है। और कितना टोटल टर्नओवर हुआ आपका? टर्नओवर हुआ है 22,09,000। 22,09,000। कितने पशु थे पिछले साल? 30। और जो 22 लाख का टर्नओवर हुआ, ठीक है, उसमें दूध देने वाला कितने पशु थे पूरा रिकॉर्ड? सरेराश 10 गाय और 4 भैंसो। 10 गाय अने 4 भैंसो सर है ना कि 14 भैंसों का ये 14 पशु का 14 पशु गाय भी है और भैंस भी है और भी आती है छोड़ता है दोनों। अच्छा यानी कि प्रॉपर अपन 12 से 14 मान लो। 12 से 14। और आपका यहाँ पर दिवदर में तीसरा नंबर है। और सर हमें बताइए जैसे कि यहाँ पर जो हमारी बना दे रही जो मुनाफा नफा जो प्रॉफिट अपन बोलते हैं वो कितना परसेंटेज यहाँ पर मिलता है आपके गांव में? गांव में मेरे मिलता है 26 रुपये। 26 रुपये? अच्छा 26%। तो कितना होगा ये? 6 लाख आजूबाजू होगा। 6 लाख आसपास? 6 लाख। यानी कि टोटल कितना हुआ बोला आपने दूध कितना का था? 22,09,000 यानी कि 28 लाख का। 28 लाख। तो सर उसमें खर्चा कितना होता होगा? खर्चा तो बहुत होता है जी। कौन तो भी हम खर्चा पूरा निकल कर यानी कि 28 लाख में टोटल आपको प्रॉफिट कितना बचता होगा 12 महीने में? अगले साल कितना बचा होगा? 12 महीने में तो ऐसे है कि 20% बचता है। तो सर हमें बताए जैसे कि आपके पास ये भैंस भी है? हाँ भैंस भी है। और यहाँ पर आपके पास बफेलो भी है और मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों नस्ल
जैसे कि महसाणी जो उत्तर गुजरात की नेटिव ब्रीड है और बन्नी जो बनासकांठा में भी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दिखी जाती है और जो कच्छ का जो रेगिस्तान है जो प्रॉपर जो बनी का इलाका वहाँ पर भी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर के पास है यहाँ पर जो क्रॉस है चेप, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर प्योर ब्रीड में जो जानकारी होती है तभी वो मैनेज कर पाता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस ब्रीड ज़्यादा चलती है। तो सर हमें बताया जैसे कि आपको सबसे कम दिक्कत और सबसे कम जो सुविधा युक्त में आपको कौन सी नस्ल ये भैंसों में आपका अच्छा लगता है या गायों में? आम गणो तो भैंसों में सारू है, बनी भैंस में एचएफ गाय दूध बहुत देती है, लंबे टाइम देती है। अच्छा, तो इसमें दिक्कत रहती है क्या भैंसों में? कोई भैंसों में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर भैंसों में ऐसा है कि दूध कम कर देती है, कम दूध दे देती है, अर्धी भैंसू रख अर्धी गाय रख सारू रही। हाँ, तो ये जो गाय है फिलहाल ये आपके कितने पशु दूध दे रहे हैं फिलहाल? हाल 14, टोटल 14 पशु दे रहे हैं। और दिन का दूध कितना होता है? 170 लीटर, 170 से 180, 170 से 180 दोनों टाइम का। और सर ये पूरा जो दूध है गायों का और भैंसों का अब अलग अलग देते हैं या साथ में देते हैं? ना साथ में, साथ में सब मिक्स में देते हैं, सब मिक्स में। तो क्या फैट मिलते हैं? मिक्स में फैट 5 आते हैं, ऐसे हम 9 आते हैं। अच्छा, ये गायों का और भैंसों का दोनों मिक्स। गायों का कितना दूध होता है? गायों का दूध होता है 70 से 75, 70 से 75 भैंसा का 15 लीटर होता है। अच्छा, यानी कि ये एसएनएफ आप मेंटेन करने के लिए भैंसों को साथ में रखते हैं, तो एक लीटर पे क्या मूल्य मिलता है आपको? 40 रुपये 12,000 है। 40 के ऊपर? 40 के ऊपर। तो सर आपको एच एम में कोई समस्या रहती है क्या? समस्या रहती है। क्या रहती है समस्या? प्रेगनेंस रहने के लिए रिपीट हो जाती है। रिपीट हो जाती है। आप क्या क्या खिलाते हैं पशु को सब मेंटेन में? क्या क्या ये जो दाना होता है वो क्या क्या देते हैं आप? आल दाना देते हैं, बनास दौन जी, कपास पापड़ी जी। तो सर हमारे जो काफ़ी जो पशुपालन भाई है उसमें यही समस्या होती है और रिपीट की समस्या होती है, तो उसमें मैनेज करने के लिए अच्छा जो प्रोटीन युक्त हरा चारा होता है जिसके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो और जो फाइबर जो अच्छा जो सूखा चारा जिसके अंदर जो पूरे पोषक तत्व चाहिए पशु को वो प्रॉपर चाहिए। तो आप ये गायों को कितना कितना दूध देती है गाय, यानी कि कितने कितने एवरेज है गायों में? गायों में 20 लीटर वाली है जी, दिवस में 25 लीटर वाली है, 40 लीटर वाली है गाय। यानी कि एक टाइम में कितना दूध देती है? एक टाइम 10 लीटर 12 लीटर, 10 से 12 लीटर, हाँ 15 लीटर देती है। अच्छा, तो आप कोई कैल्शियम मिनरल मिक्सर या बायपॉस्फेट ऐसा कोई? नहीं, ऐसा नहीं वापरते, ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। तो सर वो तो आपको इस्तेमाल करना होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि उसके बिना ये आपकी जो रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होगी। ये जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तभी आपको वो समस्या है वो कंफर्म होगी, क्योंकि सर आप इतना 25-25-30-30 लीटर दूध देते हैं निकालते हैं पशु के, तो दूध के साथ कैल्शियम भी बाहर आता है और जो फैट होता है जो अपन चर्बी बोलते हैं तो दूध के साथ चर्बी भी आती है। ठीक है, तो ये सब मैनेज करने के लिए आपको कैल्शियम भी देना है, मिनरल मिक्सर भी देना है। जो मिनरल मिक्सर अपन जो हमारे जो पूर्वज थे वो पहले खेतों में गाय पशु सब चरवाते थे, ठीक है, और जो खेतों में गोचर जमीन में जो गाय को जो चाहिए जो पोषण युक्त जो सूक्ष्म पोषण तत्व जो चाहिए वो प्रॉपर हर पशु चर लेता था, लेकिन फिलहाल अपन यहाँ पर एक ही खून पर पशु को बांधते हैं और जो भी अपन देते हैं वही खाता है। ठीक है, तो अपन जो दे रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है कि उसके अंदर कितने प्रोटीन है, क्या मिनरल है, ठीक है, जो पशु को जो प्रॉपर चाहिए। तो जो मिनरल मिक्सर है उसके अंदर पूरे जो पशु को जो प्रॉपर कंटेंट चाहिए वो उसके अंदर मिल जाते हैं। तो प्रोटीन विटामिन जो प्रोटीन ये मिनरल मिक्सर कैल्शियम और बायपास फैट देना अति आवश्यक है और आपको अच्छा फीड चाहिए पशु के लिए, ठीक है, तभी ये आपकी जो समस्या है वो समाप्त होगी। तो सर यहाँ पर अपन जो फार्म देख पा रहे हैं तो ये क्या हाइट में है टोटल? 65 फुट है, 65 फुट इसकी लंबाई, 65 फुट और चौड़ाई? चौड़ाई है 40 फुट, 40 फुट। और ये कितने साल पहले बनाया था आपने? 2017 में बनाया था, 2017 में। और ये कितने में तैयार हुआ था 2017 में?
2017 में 2 लाख में तैयार हुआ था। सिर्फ 2 लाख में? 2 लाख में। क्या बात है। तो सर ये 2017 में आपने बनाया, तो आपको ये फायदे का हुआ? फायदे में बन गया। फायदे में बन गया। तो अभी अपने यहाँ पर यही सेम बनाने जाएंगे, कितनी कीमत हो सकती है, कितना खर्चा लग सकता है? अभी तो बनाने होने तो 3 लाख होता है। 3 लाख आसपास? 3 लाख आसपास होते जी। जी जी सर, आपके पास बन्नी भी है, मेहसाणी पाई है और भीड़ भी है, तो सबसे ज़्यादा दूध किस में है? सबसे ज़्यादा दूध है बनी में। और आपके फार्म पर सबसे ज़्यादा पैसों में कितना रिकॉर्ड है? सबसे ज़्यादा देश का 18 लीटर वाली है। पैसों में कौन सी पैसे? ये वाली बनी नस्ल है। अच्छा। टाइम का 9 लीटर दूध है। अच्छा, यानी एक टाइम का 9 लीटर? 9 लीटर जी 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 जी। देख सकते हैं भाइयों, ये बनी नस्ल सबसे छोटी और दिन का 19 लीटर, यानी कि टाइम का 9 लीटर 9 लीटर दूध देती है। हाँ। और सर उसका फैट क्या होता है? फैट आता है 6 बीच में 8 बीच में 6 से 8 बीच में 6 से 8। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर फिलहाल तो वो बनास डेयरी ने जो FNS जो पूरे मशीन है, हाँ, SNF है, वो सब लगा दिया है, तो इस हिसाब से आपको ये HF का जो सब मेंटेन करने के लिए आप पैसों का साथ में रखते हैं? साथ में जी जी जी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी खूबसूरत, ये किसकी है पैसे? ये पैसे गाय किसकी है? हमारे चाचा की। अच्छा जी 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 जी। वो भी अपना मित्र देखना चाहते हैं, वो भी हमें दिखाएं। वो पैसे बहुत बढ़िया दिख रही है। ये आपके चाचा की है? चाचा की है जी जी। बनी नस्ल है, देख सकते हो भाइयों। ये प्रॉपर ये हमें कटड़ी दिखाई दी तभी अपन यहाँ पर आए। देख सकते हो उसकी खूबसूरती, उसकी प्योरिटी देख सकते हैं, उसके जो नाक है उसकी खूबसूरती और पूरी बॉडी देखे भाइयों। जो बन्नी के जो लवर्स है, जो बन्नी के जो प्रेम करने वाले जो भाई है, वो तो पहचान लाएंगे ये बन्नी कितनी क्वालिटी में है। देख सकते हो उसकी जो कम्पैक्ट बॉडी। ये कितने के हैं, कितने महीने के हुए, कोई बरस कितना होगा, कोई अंदाजा आपको? ये बरस में तो 1.5 साल की है। 1.5 साल की? 1.5 साल की जी। और गाभिन हुई है क्या? नहीं, गाभिन नहीं हुई जी जी। अभी गर्मी में आई थी पर नहीं। ये आपकी है जी जी जी। देख सकते हैं भाइयों। और यहाँ पर बनासकांठा में वैसा ये खुला जो नेचुरल यहाँ पर खुला ही व्यवस्था होती है, ये बनी वाली है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं भाइयों, ये भी बहुत बढ़िया बनी है। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भाई ये कितना दूध है इसका? ये टाइम का 5 लीटर है। हाल जी 7 महीने का गाभिन है। 7 महीने का गाभिन है और फिलहाल एक टाइम का 5 लीटर, दोनों टाइम का 10 लीटर। जब बी आती है कितना दूध होता है इसका? 7-8 लीटर दूध। 8 यानी कि 15 आसपास दोनों टाइम का जी जी जी। पर पहला बेहतर है जी, ये पहले बेहतर में, पहले बेहतर, दूसरे बेहतर भी आने वाली है, दूसरे भी जी जी। और ये तीसरा, ये तीसरा उनकी माँ है जी जी। ये भी पैस बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, क्योंकि ये दूध वाली है पैसे, जो अपन बोलते हैं ना जो पुरानी वही है। ये बनी की नस्ल है जी, थोड़ा टाइम पहला लेवल से जी जी जी। और ये भी बनी है? ये बनी। कितना दूध है इसका? इसका दूध आने वाली है, कापन है, कापन है। ये पहले बार भी आने वाली है ना? पहले बेहतर में कितना दूध दिया था? पहला बेहतर 6 लीटर 6 लीटर जी जी जी। रोज का 12 लीटर जी। और यहाँ पर HF गाय पी है, कोई समस्या है क्या उस ऑर्डर में? बी आनी से बी आई हुई है। बी आई जी 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 जी। जी जी जी। कांकरेज गाय है जी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कांकरेज बन्नी और कांकरेज वैसे साथ में पलती है, प्री ग्रेजिंग के लिए है। उसके अंदर न तो कोई बीमारी होती है, रफ एंड टफ कोई भी वातावरण में ये बड़ी आसानी सर्वे कर लेते हैं। ये आपके घर की है? घर की। कितना दूध है इसका? नहीं, तो बियाने वाली है। बियाने वाली है, पहला बेहतर बियाने वाली है। जी 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 जी। देख सकते हैं ये वाली रही, ये ब्रीड है। अच्छा, ये कहाँ से लाई थी आपने? करना उचेर से। इसकी इसकी इस गाय की है जी। इसकी इसकी और ये आपने ब्रीड वाला सीमेंट रखा है इसके अंदर? जी 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 जी। स्पाइक है, ABS स्पाइक जी जी। अच्छा अच्छा, क्या रिकॉर्ड है, कोई
बताया था कितना दूध है इसका, कितना दूध ये दिया है कि कितना दूध लेगी? ये पहला वेतर ने 25 लीटर का दिया है रिकॉर्ड। अच्छा जी 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 जी, दिन का? दिन का जी जी जी, देख सकते हो भाइयों। और वहाँ पर भी है भाई, ये छोटे छोटे कुनबे में ये सब पशु रखते हैं, ठीक है। अपना ये वीडियो शूट कर रहे थे वहाँ पर और यहाँ पर आए, क्योंकि ये भी उसके चाचा जी का ही फार्म है। और यहाँ पर अपना पशु ऐसे दिखे तो यहाँ पर अपन आगे देख सकते हैं, और वहाँ पर भी अपन जाकर कुछ अच्छी जानकारी लेते हैं। मित्रों वहाँ पर जो अशु पशु थे इसलिए वहाँ पर अपन देखने गए, और फिलहाल फिर से अपने यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्म, और यहाँ पर जो पशु के लिए जो पूरी व्यवस्था है, फैन पैन सब पंखे बंखे पूरी। ये बच्ची जन्मी हुई है जी, ये है बनी की नस्ल है। अच्छा ये बुल से गाभिन हुई थी यार? बुल से। बुल कहाँ पर है? बुल है मेरे पास में जी। अच्छा अच्छा पास में ही होगा जी। और सर ये गाय आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही बार यहाँ पर बिया चुके, कितना बेहतर यहाँ पर बिया हुई है? 14। ये HF 14 बार यहाँ पर बिया हुए। हाँ। और फिलहाल गाभन है? गाभन है फिलहाल। और कितना दूध है फिलहाल? अभी तो 5 लीटर दूध देती है। अच्छा, यानी कि बूटी होंगी इस हिसाब से? देश का 10 लीटर देती है जी। तो सर पिछले साल आपका टोटल 14 पशु में 22-23 लाख का आपने दूध भरवाया था, ठीक है? 22,09,000 का। तो आपका इस साल का क्या टारगेट है, जो तीसरा नंबर है और आगे बढ़ना चाहते हैं क्या? ये साल का टारगेट तो है कि फर्स्ट में आना है जी, लेकिन आपको पशु भी बढ़ाना होगे? पशु बढ़ाना होगी जी। तो पशु बढ़ाने से पहले आपको ये न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए। हाँ सही, क्योंकि जो भी ज़्यादा दूध गाय देती है उसे अच्छा हरा चारा, सूखा चारा, फीड, कैल्शियम, बाईपास फैट, मिनरल मिक्सर सब अच्छी तरह से देना होगा, वरना सब पशु बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कोई अच्छी कंपनी का बाईपास फैट, बनास डेयरी का भी पब्लिक यहाँ पर यूज़ करती है। हाँ, बनास डेयरी, ठीक है। और पूरा अपन अच्छी तरह से मैनेज करें, जो एक गाय दूध दे रही है उसे आप 400 से 500 ग्राम खिलाएं। 400 ग्राम वैसे एक लीटर पे खिलाना होता है, लेकिन आप 500 ग्राम खिलाएं, ठीक है। तो अलग से जो बॉडी मेंटेन करने के लिए जो खिलाना होता है वो न खिलाए तो चलेगा। एक लीटर पे आपको 500 ग्राम, यानी कि कोई भी गाय 10 लीटर टाइम का दूध देती है तो आपको 5 के जी खिलाना है, ठीक है। और आपको 100 ग्राम कैल्शियम, 100 ग्राम मिनरल मिक्सर और 100 ग्राम आपको उसके अंदर बाईपास फैट देना है। तो थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी, सबको तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।